मेरा नाम है मीनल और माय आर्ट यार्ड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके सामने तेरा मुझसे है पहले का नाता कोई का चौथा भाग लेकर आई हूँ। पिछले भाग में आपने देखा था कि नियति देर रात को एक सपना देखती है। वो सपना उसे नींद में भी तनाव दे रहा था। सपने में उसने देखा कि पर्वतों के बीच से एक नदी की धारा बह रही थी। दूर एक बरगद का वृक्ष था। वृक्ष एक प्राचीन मंदिर के परिसर में था और उस वृक्ष के तले एक लड़की बैठी थी। कौन है वो लड़की? धुंध धीरे धीरे छटी और नियति ने उस लड़की को देखा। क्या आप जानते हैं कि वो लड़की कौन थी? जी, वो लड़की कोई और नहीं बल्कि नियति खुद थी। वो बहुत ही मायूस और परेशान थी, जैसे कई दिनों से रो रही हो। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे लेकिन चेहरा पत्थर सा हो गया था। उसके बगल में एक संत बैठे थे जिन्होंने सफेद कपड़े परिधान किए थे। लंबी लंबी दाढ़ी मूंछ और चेहरे पर एक शाश्वत शांति। नियति उनकी तरफ बड़ी आस से देख रही थी और उन्होंने कहा, ये संबंध गत जन्मों के कर्मों पर आश्रित है। तुम्हारे या किसी के चाहने से नहीं टूटेगा। उनकी बूढ़ी आंखें बहुत गहरी थी, उनमें बहुत शांति थी, जैसे उन्होंने कई मौसम देखे हों जिंदगी के। लेकिन अब मैं सह नहीं सकती इस दर्द को, नियति ने रोते हुए जवाब दिया। क्षमा, क्षमा ही हर पीड़ा का अंत होता है। नहीं, मैं उसे माफ नहीं कर सकती। इसे माफ नहीं करना चाहती मैं, इसे माफ नहीं कर पा रही हूँ मैं। कौन है वो? क्या देख रही थी मैं? क्या क्या था वो? क्या था वो? कहकर नियति चौंक कर उठी। वो पसीने से लथपथ थी, सांसें अभी भी तेज चल रही थी और सर चकरा रहा था। दूसरी ओर ईशान अभी भी जगा हुआ था और बहुत बेचैन था। ईशान ने सोचा, इतने महीनों के बाद मैंने उसे देखा, ऐसा लग रहा था जैसे कुछ भी नहीं बदला हमारे बीच। क्यों लगा देखते ही गले लगा लूं? कितना तरसा हूं मैं उसकी एक नजर के लिए, उसे बस एक बार छूने के लिए। ओ नियति, आई विश आई कुड टेल यू, आई मिस्ड यू सो मच। नियति पर सपने का असर अभी भी था, लेकिन साथ ही में उसका सर चकरा रहा था और नींद के कारण उसकी पलकें बोझिल होने लगी और देखते ही देखते उसे दोबारा नींद लग गई। ईशान काफी देर तक बेचैन था। करवटें बदल बदल कर भी जब उसे नींद नहीं आई तो वो खिड़की से बाहर चांद को देखने लगा और अपनी जेब से उसने एक अंगूठी निकाली, एक अनकट डायमंड की खास अंगूठी। उस अंगूठी को देखते देखते ईशान काफी देर तक नियति को याद कर रहा था। ईशान को कब नींद लग गई उसे पता नहीं चला, और जब सूरज की पहली किरण उसके कमरे में आई तो वो तुरंत उठा, क्योंकि वो जानता था कि नियति जल्द ही आएगी उसे लेने के लिए। नियति का दोबारा सामना करना जितना मुश्किल है, उतना ही मुश्किल उसके सामने रहकर भी उससे दूर रहना है। सोचते हुए ईशान उठा और बाथरूम की तरफ गया। घड़ी में लगभग 7:30 बज रहे थे सुबह के, कि तभी उसके दरवाजे पर एक दस्तक हुई। कम इन। तभी एक वेटर कॉफी और कुछ नाश्ता लेकर आया और उसने डाइनिंग टेबल पर वो परोस दिया और फिर जाने लगा। ईशान को ऐसा लगा कि शायद नियति होगी, लेकिन वेटर के जाने के कुछ ही पलों के बाद अब नियति आई और उसने दस्तक दी। एक पल के लिए हैरान ईशान ने अंदर से ही चिल्लाया, कौन है? नियति ने सोचा कि चिल्लाकर कैसे बताएं कि कौन है, कि तभी ईशान बाथरूम में ही बाहर आया और उसने दरवाजा खोला। नियति ईशान को बाथरूम में देख नहीं पाई और शर्मिंदगी में उसने नजरें झुका ली। ईशान नियति को देख रहा था। नियति ने ऑफ वाइट शर्ट और ब्लैक ट्राउजर्स पहने थे। उसके सिल्की बाल आंखों के सामने आ रहे थे। नियति खूबसूरती और सादगी का परफेक्ट ब्लेंड थी। खुद को बहुत ही ग्रेसफुली कैरी करती थी और नियति को देखना और देखते ही रहना ईशान का पसंदीदा काम था। जब ईशान की नजर नियति की चंचल आंखों पर गई,
और जब वो बेवजह ही अपने बाल सवार रही थी, अपने चश्मे को ठीक कर रही थी, तो ईशान समझ गया कि उसने नियति को बेचैन कर दिया है और उसने कहा, हाय नियति, गुड मॉर्निंग, कम ऑन इन, आई विल जस्ट बी बैक। कुछ संकोच में नियति अंदर आई और कुर्सी पर बैठ गई। जल्द ही ईशान तैयार होकर बाहर आया। उसने एक नेवी ब्लू सूट पहना था। उसकी कद काठी, उजला रंग, गहरी आंखें और चेहरे पर एक मोहक मुस्कान। नियति का दिल जैसे फिसलने लगता हर बार उसे देखकर। और उसकी आंखें, नियति को देखकर उन आंखों में आने वाली चमक, एक पल में जैसे हजार बातें कहने वाली वो आंखें, कोई कैसे उन आंखों से जुड़े बना रह सके। तभी ईशान ने पूछा, आज का क्या प्लान है? अपने ख्यालों से बाहर आकर नियति ने जवाब दिया, आज हम मैसूर जा रहे हैं। वहां पर हमारी एक बहुत ही क्लासी प्रॉपर्टी है। मैं वो प्रॉपर्टी आपको दिखाना चाहती हूँ। उसके बाद कल हम कुर्ग जा रहे हैं और फिर बाद में चिकमंगलूर। वहां पर कुछ लैंड इंस्पेक्शन के लिए है। मैंने कुछ एजेंट से बात भी की है। अगर आपको लोकेशन पसंद आए तो वी कैन वर्क ऑन द प्रपोजल फॉर मिस्टर वीरेंद्र कपूर एंड अदर स्टेक होल्डर्स। कल के हमारे डिस्कशन के बाद मेरा ऐसा सुझाव है, अगर आप कुछ अलग सोच रहे हैं तो हम वैसा भी कर सकते हैं। नो नियति, वील स्टिक टू योर प्लान, आई ट्रस्ट योर विजडम, ईशान ने जवाब दिया और जल्द ही वो लोग लॉबी की तरफ आए। तभी नियति ने ईशान से कहा, आप चलिए, आपके लिए होटल की कार इंतजार कर रही है, मैं अभी आती हूँ अपना बैग लेकर, नियति ने कहा। और वो रिसेप्शनिस्ट के पास गई। दिव्या, मेरी बैग देना जो मैंने अभी रखी थी यहाँ पर। दिव्या ने रिसेप्शन टेबल के नीचे से नियति को बैग निकाल कर दी और कहा, बस अकेले ही जा रही है डैशिंग बॉस के साथ घूमने? नहीं नहीं, सोच रही हूँ कि होटल के पूरे स्टाफ को भी ले जाऊं, पिकनिक करेंगे। तू ही चली जाना, इतनी मरी जा रही है तो, नियति ने व्यंग कसते हुए कहा, जिस पर दिव्या ने जवाब दिया, उफ, नाराज क्यों हो रही है, मैं तो मजाक कर रही थी। अच्छा ये सब छोड़, ये बता कि कल उनकी बाहों में क्रैश लैंडिंग करके कैसा लगा? कुछ तो दिल में गुदगुदी सी हुई होगी ना? सारी खबरें तुझे मिलती कहां से हैं? नियति ने पूछा तो दिव्या एक गुमान में मुस्कुराई। तो नियति ने एक गहरी सांस छोड़ते हुए कहा, ऐसा कुछ भी नहीं है, ओके? अपने काम पर ध्यान दे और मुझे अपना काम करने दे। मेरी लव लाइफ बाद में क्रिएट कर लेना, ओके? चल, आती हूँ मैं अभी, कहकर नियति जाने लगी तो दिव्या ने पीछे से पुकार कर कहा, ओके ओके, बाय, हैप्पी जर्नी, हैव फन, एंजॉय। नियति ने पलट कर दिव्या को गुस्से से घूरा और फिर चली गई। होटल के एंट्रेंस की तरफ चलते हुए नियति उस पल को याद करने लगी जब उसके पाँव में चोट लगी थी और ईशान ने उसकी मदद की थी। फिर वो आज का पल याद कर रही थी जब उसने ईशान को देखा और नियति ने सोचा, मिस्टर कपूर का स्पर्श इतना जाना पहचाना क्यों लगता है? उनकी तरफ इस खिंचाव को मैं खुद पर इस तरह हावी नहीं होने दे सकती। उनकी ये बैंगलोर की ट्रिप मेरे करियर के लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो सकती है। आई नीड टू फोकस ऑन वर्क एंड ओनली वर्क। सोचते सोचते नियति एंट्रेंस पर पहुंची जहां पर एक बड़ी सी शानदार ऑडी उसका इंतजार कर रही थी। गाड़ी पर आर्यव्रता का नाम और लोगो प्रिंटेड था और ड्राइवर नियति का इंतजार कर रहा था। नियति ने अपना बैग ड्राइवर को दिया, उसने वो बैग बूट स्पेस में रखा और कार में आकर बैठ गई। ईशान कार के अंदर बैठा था और अपने आईपैड पर कुछ देख रहा था। ईशान ने नियति की तरफ देखा और दोनों ने एक दूसरे को एक औपचारिक मुस्कान दी और दोनों का मैसूर का सफर शुरू हुआ। थोड़ी देर के बाद शहर के शोर शराबे से दूर गाड़ी जल्द ही मैसूर हाईवे पर पहुंच चुकी थी। गाड़ी अब जैसे हवा से बातें कर रही थी, लेकिन कार के अंदर एक गहरी चुप्पी सी खामोशी थी। बस इंजन की हल्की सी गूंज थी और कोई आवाज नहीं थी। नियति खिड़की से बाहर देख रही थी। दूर दूर तक खेत और उनकी हरियाली फैली हुई थी। नियति यह नजारे देखकर एक सुकून में मुस्कुरा रही थी। ईशान भी नियति को देखकर मुस्कुराने लगा। नियति समझ गई कि ईशान उसे देख रहा है, तो उसने पलट कर ईशान की तरफ देखा।
ईशान को ऐसा लगा जैसे उसकी चोरी पकड़ी गई हो। उसकी आंखों में एक हलचल थी, उसने एक औपचारिक स्माइल दी और अपने हैंड रेस्ट पर से फोन उठाया और फोन पर कुछ देखने लगा। ईशान फोन अपने हाथों में लेकर कुछ सोचने लगा, तभी ईशान ने एक फोन लगाया। हेलो ईशान, हाउ आर यू? बोलो, कैसे फोन किया? ये आवाज वीरेंद्र की थी। उसकी आवाज में हमेशा की तरह एक कड़ापन था, जैसे भावनाओं की रिक्तता। तो ईशान ने आगे से कहा, मैं ठीक हूँ डैड, आज मैसूर की प्रॉपर्टी देखने जा रहा हूँ, फिर चिकमंगलूर और कुर्ग भी जाने के बारे में सोच रहा हूँ, बड़े ही विनय स्वर में ईशान ने कहा। ओके, कीप मी पोस्टेड, और कुछ? वीरेंद्र ने पूछा। वो आप अपनी दवाइयाँ टाइम से ले रहे हो ना? कुछ हिचकिचाते हुए और कुछ परवाह से ईशान ने पूछा। तुम्हें उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है ईशान, अपने काम पर ध्यान दो। डैड, मैं तो बस, मेरा मतलब है कि तुम्हें यहाँ की फिक्र नहीं करनी चाहिए। तुम वहां पर एक क्रूशल प्रोजेक्ट के लिए गए हो, उस पर ध्यान दो। वीरेंद्र के आवाज में अब कुछ नरमी थी, लेकिन इतनी भी नहीं कि ईशान उसे प्यार की थपकी समझ बैठे। नियति ने ईशान की तरफ देखा, उसका चेहरा बहुत ही मायूस था। नियति चाहती थी कि उसका मूड चेंज करे। हेलो, हाय, गुड बाय, हैव अ नाइस डे, ऐसा बोलने का रिवाज नहीं है क्या आपके यहाँ? मुझे तो लगा था कि मिस्टर कपूर बस अपने एम्प्लॉयज के साथ ही अपनी नो नॉनसेंस ऑरा कैरी करते हैं। ईशान नियति की बात सुनकर अभी भी गुमसुम था। उसने नियति की तरफ देखा, हल्के से मुस्कुराया और कहा, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन हाँ, वो थोड़े इंट्रोवर्ट हैं, फिजूल की बात करना उन्हें पसंद नहीं आता। क्या हुआ, कुछ परेशान है क्या आप? इफ आई मे आस्क, सो? भावनाओं में बहकर नियति ने पूछ तो लिया, लेकिन बाद में खुद ही संकोच हुआ, क्योंकि आखिर ईशान है तो बॉस ही ना उसका। क्या उसको इस तरह के पर्सनल सवाल उससे पूछने चाहिए भी या नहीं? जाने दो नियो, कुछ नहीं। ईशान ने नियति की आंखों में आंखें डालकर कहा और फिर खिड़की की तरफ देखने लगा। नियति बहुत ही हैरान थी नियू सुनकर। क्योंकि नियू उसे सिर्फ बहुत ही करीबी लोग पुकारते थे, उसके मन में एक उथल पुथल मच गई थी। हमेशा से अपने पिता की एक प्यार भरी थपकी का इंतजार किया है मैंने, शायद कभी तो मेरी वजह से गर्व से उनका सीना भी चौड़ा हो, कभी तो प्यार से मुझे गले लगा ले। तुम तो जानती हो ना नियू, कितनी कोशिश की है मैंने उन्हें इम्प्रेस करने की। ईशान की आंखों में एक दर्द था, वो ऐसी बात नियति की आंखों में आंखें डालकर नहीं कह सकता था, इसीलिए वो खिड़की से बाहर देख रहा था, जहां एक ओर नियति ईशान के लिए हमदर्दी महसूस कर रही थी तो दूसरी ओर उसके खुद के सवाल उसे हैरान किए जा रहे थे। नियति की बेचैनी अब बढ़ती जा रही थी। क्या हम वाकई में एक दूसरे को पहले से जानते हैं? उनकी पोजीशन का कोई अपनी दूसरी ही मुलाकात में अपने दिल के सारे राज इतने आसानी से तो नहीं खोल सकता। और फिर ये नियू, बात क्या है यार, क्या है जो मुझे नजर नहीं आ रहा है? बाहर हरियाली थी, ताजगी थी, लेकिन अंदर एक अनकहे सवालों की गूंज थी जिसने हवा को काफी भारी कर दिया था। नियति ने अपने सीट पर गर्दन टिकाकर आराम करने की कोशिश की। उसे ऐसा लग रहा था ना ये सवाल खत्म होंगे और ना ये सफर। दूसरी ओर ईशान भी अपनी उलझनों में कुछ उलझा हुआ था। ईशान खिड़की से बाहर देखने लगा और गुजरे पल उसकी आंखों के सामने आ गए। That's it? बस इतना ही? ईशान, महालक्ष्मी ज्वेलर्स के जैसा ही है ये प्रेजेंटेशन, एब्सोल्युटली फ्लैट, इसमें कोई सब्सटेंस नहीं है। अगर तुमसे नहीं हो पा रहा तो बोल दो। वीरेंद्र अपने रोटेटिंग चेयर से उठा, गुस्से से उसने टेबल पर हाथ मारा।
उसके उठते ही फाइनेंस हेड, प्रमोशन इंचार्ज और नियति सभी लोग उठ गए। वीरेंद्र ने फिर नियति से कहा, नियति आई वॉन्ट यू टू सिंगल हैंडेडली टेक ओवर द प्रोजेक्ट। ईशान हैंड ओवर द डॉक्यूमेंट्स टू नियति। लेकिन डैड एक चांस तो दीजिए प्लीज, ईशान ने दरखास्त करते हुए कहा। मिस्टर कपूर क्लाइंट के साथ मीटिंग थर्सडे को है, आज मंडे ही तो है, आप एक चांस उन्हें दे दीजिए वरना थर्सडे को मैं ही मीटिंग लीड करूंगी, नियति ने ईशान की तरफ से गुजारिश करते हुए कहा। ओके नियति, इफ यू से सो। ईशान यू जस्ट हैव 24 आवर्स, प्रूव योरसेल्फ। तो क्या ईशान ने वीरेंद्र के सामने खुद को प्रूव किया? और अगर ईशान नियति से इतना ही प्यार करता है तो दोनों अलग क्यों हुए? ईशान से ऐसी क्या गलती हो गई जिसके लिए वो इतना शर्मिंदा है? जानने के लिए बने रहिए मीनल साठियाठ के साथ, क्योंकि अगला भाग आ रहा है बहुत जल्द। और अगर आपको ये भाग पसंद आया है और आने वाले भाग देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए और कमेंट्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर लिखिए, मुझे हमेशा इंतजार रहता है आपके कमेंट्स पढ़ने का। तो अगली बार फिर मिलूंगी मैं इसका अगला भाग लेकर, तब तक के लिए आपसे विदा लेना चाहती हूँ। धन्यवाद, फिर मिलेंगे।